सीहोर जिले की सभी तहसील सीहोर शहरी, सीहोर ग्रामीण, इच्छावर, आष्टा, बुधनी, नसरुल्लागंज, जवार, रहटी व श्यामपुर में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सिर्फ इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 9425046807। आष्टा नगर के अलीपुर क्षेत्र में FC आष्टा लायन के तत्वावधान में आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट में आष्टा ग्रीन और आष्टा लायन फुटबॉल टीमों के मध्य मैच हुआ, जिसमें आष्टा ग्रीन टीम ने आष्टा लायन टीम को 4-2 से परास्त करते हुए टूर्नामेंट का फाइनल मैच अपने नाम किया। आयोजित 7 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट शैलेंद्र पटेल पूर्व विधायक छावर के मुख्य आतिथ्य में सम्पन्न हुआ, जिन्होंने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उन्हें अपनी शुभकामनाएं व बधाइयां दी और कहा कि 2 टीमों के बीच खेले गए मैच में कोई एक टीम विजयी होती है। विजय और पराजय एक तराजू के 2 पहलू हैं, जिसे हर खिलाड़ी को स्वीकार करना चाहिए। विजेता को कभी अहम व अपनी खुशी का ज्यादा इजहार नहीं करना चाहिए। वहीं पराजित टीम के खिलाड़ी अपनी हार से निराश न होते हुए अपने खेल को कैसे श्रेष्ठ कर सके, इस पर ध्यान देकर प्रतिदिन अपना 100% योगदान देना चाहिए। फुटबॉल खिलाड़ी अपने खेल को और अच्छी तरह से निखारे। मुख्य अतिथि इच्छावर विधायक श्री पटेल ने प्रथम विजेता टीम को चमचमाती ट्रॉफी भेंट करते हुए टूर्नामेंट समिति द्वारा पुरस्कृत व नगद राशि का चेक देकर सम्मानित किया गया। वहीं उपविजेता टीम को समिति द्वारा पुरस्कृत घोषित राशि व चमचमाती ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर समिति अध्यक्ष घनश्याम जांगड़ा, तौसिफ बाबा, फैजुद्दीन, राजा पठान आदि सहित बड़ी संख्या में खिलाड़ीगण मौजूद रहे। भारतीय न्यूज के लिए आष्टा से जहूर मंसूरी की रिपोर्ट। 15-16 साल के बीच में नजर आ रहे हैं, ऐसे छोटे और युवा खिलाड़ी अगर आगे बढ़ते हैं और ऐसे अनुभवी टीम के साथ खेलते हैं, मुकाबला करते हैं, तो वो भी निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। और मैं भी खिलाड़ी रहा हूं और सभी सीनियर्स की ये भावना रहती है कि जो नया जूनियर आए वो कैसे आगे बढ़े और कैसे उनका स्थान वो भरे, ताकि जिस परंपरा को उन्होंने कायम रखा है वो अगली पीढ़ी भी उस परंपरा को जारी रखे। अगर हम फुटबॉल खेलते हैं, हमारे मन में ये रहता है कि और भी बच्चे फुटबॉल खेलें और हम उनके लिए क्या मदद कर सकें। काफी अच्छे माहौल में ये टूर्नामेंट हुआ। मैं इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ अलीपुर के समस्त खेल प्रेमियों को और इस टूर्नामेंट करवाने वाले सभी सहयोगियों का, जिन जिन्होंने भी इसमें अपना हिस्सा और अपना योगदान दिया, कि उन्होंने एक बहुत शानदार बहुत जानदार टूर्नामेंट इस ग्राउंड पे कराया और इस मुहिम के अंतर्गत कराया। इस ग्राउंड पे कुछ गतिविधियां कई वर्षों से नहीं हो रही थी, वो गतिविधियां पुनः प्रारंभ हो, इस उद्देश्य के साथ उन्होंने टूर्नामेंट कराया, इसके लिए बधाई के पात्र। और उन्होंने ये उद्देश्य पूरा किया, जहां पे कुछ गतिविधि नहीं हो रही थी वो गतिविधि चालू की, लेकिन साथ में आष्टा में जब इस समय पूरे विश्व में वर्ल्ड कप का शुमार है, वर्ल्ड कप ग्लोबल टेलीविजन के माध्यम से देख रहे हैं, ऐसे मौके पर एक हमारा आष्टा का टूर्नामेंट कराकर दर्शकों को मनोरंजन देने का प्रयास किया, सभी उसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं मैं दोनों टीमों को, विजेता टीम को, उपविजेता टीम को और साथ में आज वो लोग जो नहीं आए जिन्होंने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया, उन सबको भी बधाई देता हूँ। उन्होंने खेल जैसी एक विधा में पार्टिसिपेट किया, हिस्सा लिया और खेल हमें बहुत कुछ सिखाता है। सिर्फ खेल हमें खेलना नहीं सिखाता, जीवन के जीने का तरीका भी सिखाता है। किस तरीके से फुटबॉल में बगैर परस्पर सहयोग से कोई आगे नहीं बढ़ सकता, अगर पीछे से पास नहीं मिलेगा तो आगे वाला गोल कैसे मारेगा, या कोई किसी को डिफेंड आगे नहीं करेगा तो सीधे गोल हो जाएंगे, तो हम कैसे मिलजुल कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे का सहयोग करें, ये तो सिखाता ही सिखाता है। स्वास्थ्य के लिए तो अच्छी बात है और सबसे बड़ी बात, हम नए लोगों से भी मिलना है, टूर्नामेंट वो खेल आयोजनों में होता है। आप सबने हिस्सा लिया, आप सबको बधाई और पुनः अलीपुर फुटबॉल टीम, फुटबॉल क्लब को और तमाम यहाँ मंच पे उपस्थित जिनका मैंने नाम दिया या जिनका मैं नाम नहीं ले पाया, उन सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे घनश्याम भाई हमारे मित्र हैं, इनका आदेश चलता बाबा साहब, हमने कहा आना ही पड़ेगा, मैंने कहा भैया आप चुनाव आ गए, ज्यादा परेशान मत करो, अब उधर देखने दो। अब हुआ ये कि एक और मित्र ने कहा कि नहीं भैया 8 बजे आज आना ही पड़ेगा, तो मैंने कहा बोले नहीं आप जल्दी कर लेना, मुझे भी बुरा लग रहा है कि आया हूँ जल्दी मग रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ उसके लिए, लेकिन अब कहने की व्यवस्थाएं रहती हैं। पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई और ऐसे ही आप टूर्नामेंट करवाते रहेंगे, ऐसे ही खेल की गतिविधि आप बढ़ाते रहेंगे और जो हम लोगों से सहयोग बनेगा, जो आपने बात कही उसको कहीं ना कहीं पूरा करने का हम लोग प्रयास करेंगे। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।